के साथ शामली नगर पालिका अध्यक्ष के उम्मीदवार अरविंद संगल जी हैं, जो कि बीजेपी से इन्होंने फिर एक बार फिर भरोसा जताया है। क्या प्राथमिकता रहेंगी और किस मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ेंगे? सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी आपकी? शहर में प्राथमिकताएँ विशेष कार्य ये है कि एक तो साफ सफाई रुक गई है शहर की, उसको सबसे पहले बीच का नाला है और जहाँ जहाँ भी नाले हैं सबकी सफाइयाँ कराई जाएंगी। नई कॉलोनी बहुत बस रही है शामली में, लगातार नए लोग आ रहे हैं, वे हमारे मेहमान हैं, वे हमारे शहर के निवासी बने, इसके लिए उनको सारी सुविधाएं दी जाए, सड़क दी जाए, पानी दी जाए, बिजली की फिटिंग कराई जाए, ये सब काम मैं प्राथमिकता पर लूँगा, जिससे कि हमारे शहर में शानदार प्रगति हो पाए। सर, शामली की जनता ने निर्दलीय जो उम्मीदवार थे पहले उनको जिताया था, 35 सालों में लगभग केवल एक ही बार आप ही ऐसे प्रत्याशी रहे हैं जिसने जीत हासिल करती बीजेपी से, तो इस बार कैसे देख रहे हैं चुनाव को? निश्चित, पहले भी टिकट पर हम जीते थे, उससे पहले कोई टिकट से नहीं जीता है, भाजपा का नहीं, किसी भी टिकट पर कोई नहीं जीता है, ना कांग्रेस, ना लोक दल, ना समाजवादी, टिकट सबने दिए हैं अनेकों बार, लेकिन फिर से भाजपा ने हम पर विश्वास किया, इसीलिए किया है कि पहले भी जीते थे, इस बार भी जीत के आओगे, और इसलिए जीत के आओगे, ये निर्देश के साथ है कि शामली का विकास कराओगे। तो आप देख रहे हैं कि गठबंधन से आप किससे टक्कर मानते हैं? गठबंधन, कांग्रेस, आप, आम आदमी पार्टी भी इस बार बीच में आ रही है, तो क्या कहेंगे? क्वेश्चन, गठबंधन हमारे लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, मेरठ में दोनों ने टिकट दे रखे अपने अपने, है कहाँ गठबंधन, मजाक कर रहे, मेरठ में दोनों के टिकट है, यहाँ भी कल को दूसरा टिकट हो जाए, कुछ पता नहीं। और दूसरी बात, जहाँ इतने अंतर्विरोध खुद में हो, गठबंधन में अंतर्विरोध हो, तो उनके बंदों में भी अंतर्विरोध रहता है, और ऐसी स्थिति में वो अरविंद संगल को वोट देने वाले हैं, उनमें से बहुत सारे दोस्त मेरे। आप उम्मीदवार बने हैं, शामली की जनता पर कैसे अपना दिल जिता पाएंगे, क्योंकि इस बार कड़ी टक्कर है? कड़ी टक्कर है, ये बात तो आप कह रहे हैं, टक्कर तो भगवान की कृपा से सब ठीक है, जीत आपकी निश्चित होगी, लेकिन शामली की जनता की जो बात है, शामली की जनता में जब आप एक बार चले जाओ कैमरा लेकर, 100 लोगों से पूछना, यहीं से निकलना, 100 में से 90 यदि कहे कि अरविंद संगल जीतेंगे, 100 में से 90, 80-70-75 नहीं कह रहा हूँ मैं, तो मान लो शामली पूरी एक तरफ है, वो चाहती है ट्रिपल इंजन सरकार चाहती है, वो चाहती है इस शहर का विकास हो, 5 साल से शहर के विकास में कुछ रुकावट आई है, वो चाहती है वो रुकावट हट जाए, बैरियर हटाकर विकास की धारा पर शामली चले, इसलिए ही पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, इसलिए जीत होने वाली है। अच्छा संगल जी, एक मेरा लास्ट सवाल ये है कि जीत होने के बाद तो आप फिर सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम तो भाई साहब, नाले की सफाई कराऊंगा, ये जो बीच का नाला है ये बिल्कुल तली सूत, बहुत मच्छर और बहुत गंदगी हो रही है, इसकी सफाई कराऊंगा, पहला काम मन बना रखा है। दूसरा काम, शहर में कुछ जिम बनाए गए थे मेरे द्वारा, जो युवाओं को बहुत ज़्यादा शक्ति देते थे, एक्सरसाइज करते थे, उनमें से कुछ जिम कम हो गए, अभी मैं सर्वे करा रहा था, किसी कारणों से कुछ जिम कम हो गए, तो और नई नई जगह स्थान देखकर जिम बनाए जाएंगे, और नई कॉलोनियों का सबसे बड़ा विकास किया जाएगा, ये मेरा प्राथमिकता में रहेगा, नई कॉलोनियों का विकास। तो ये थे बीजेपी उम्मीदवार अरविंद संगल जी, जिनका कहना है कि जीतने के बाद सबसे पहले नाले की सफाई कराई जाएगी और जो विभिन्न समस्याएं शामली के अंदर है उनका भी विकास की ओर उनको खींचा जाएगा। शामली से पंकज प्रजापति, एबीपी गंगा, शामली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।